देखिए डोशी की पहाड़ी पे जिस कुंड की हम बात करते हैं, जहाँ चवन ऋषि स्नान करके जवान हो गए थे, युवा हो गए थे, वही ये कुंड है। आप देख पा रहे हैं अच्छे से, डोशी के पहाड़ी के ऊपर एक कुंड, एक बहुत बड़े तपस्वी, बहुत बड़े महर्षि चवन की तपोस्थली रही है। आज भी उनकी चेतना ऊर्जा यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है, कुछ जानकारी दी गई है, लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या ये लिखा गया है। ये कुछ दिन पहले बताते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, और इसके जीर्णोद्वार के लिए, इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए उन्होंने पहल की थी। और बताते हैं कि यहाँ पर जो ड्रोली है वो सिस्टम लगेगा, जो हरिद्वार में पहाड़ों के ऊपर होता है, ताकि जो बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, बच्चे हैं, वो आराम से इजीली यहाँ पर दर्शन कर सकें, इस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकें और अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को जान सकें। तो ये आप देख पा रहे हैं भाई, ये दृश्य, यही वो कुंड है जहाँ महर्षि चवन ने स्नान किया था। बताते हैं कि उनकी तपस्या कर रहे थे और उनको चारों तरफ से मिट्टी ने कवर कर लिया था, और उसके बाद उनकी आँखों में, वो एक राजा की लड़की होती है, उसने वो